बचपन की प्यास से मिला धोखा तो युवक ने लगा लिया मौत को गले। खबर शिवपुरी से है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री कॉलोनी में एक नव युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताना होगा कि युवक ने अपनी प्रेमिका से धोखे के कारण ये कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार अनिल खटीक निवासी करेरा शिवपुरी में राज रियल एस्टेट के ऑफिस पर ऑपरेटर का काम करता था। गुरुवार को 11 बजे के आसपास उसने अपने दोस्त देवेंद्र यादव से कहा कि मैं तेरे रूम पर चलता हूं, वहीं आराम कर लूंगा। इसके बाद देवेंद्र यादव के घर गायत्री कॉलोनी दोनों गए। देवेंद्र यादव अनिल को छोड़कर ऑफिस आ गया। जब रात 8 बजे अपने घर पर पहुंचा तो कमरे का गेट खुला हुआ था, जिसके बाद उसने मकान मालिक को सूचना दी। अंदर जाकर देखा तो पंखे से रस्सी से अनिल ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अनिल के घर वालों को भी सूचना दी, मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मर्गे कायम कर लिया है। बताना होगा कि युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका का जिक्र किया है। परिजनों ने बताया कि उनके घर के पास में एक लड़की रहती है, जो कि बचपन से ही अनिल के संपर्क में थी। बीच में कोई दूसरा युवक आ गया, जिसके कारण प्रेमिका ने अनिल से वार्तालाप करना बंद कर दी, जिसके बाद अनिल ने ये कदम उठाया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर दिया है। मेरा नाम दीपक खटीक है, मेरा निवासी हूँ। मेरा छोटा भाई जो कि शिवपुरी में राज रॉयल्टी डिप्लोम में काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर का। मेरे पड़ोस की एक युवती थी जो कि मेरे भाई को अपने प्रेम जाल में फंसाकर काफ़ी टाइम से मतलब उसका शोषण कर रही थी। पैसे वैसे को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर उसे मतलब प्रताड़न करती रहती थी और उसे झूठा प्यार का नाटक करके उसके दिल और दिमाग में ऐसे बस गई थी कि उसे मतलब कुछ नहीं दिखता था। फिर कुछ टाइम बाद इनके रिलेशन में एक लड़का आता है, जिसका नाम है शैलेश भार्गव, जो कि पिछोर निवासी है। तो इस लड़की की मुलाकात उस लड़के से होती है। तो इन दोनों में बातचीत हुई तो इन्होंने मेरे भाई को पीछे छोड़ दिया और इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने लगा। तो इस बात पर इनकी बीच जो भी हुआ ये जानते होंगे। फिर मेरा भाई यहाँ शिवपुरी अकेला रहता था, हम सब लोग करेरा निवासी हैं, करेरा रहते हैं। तो वो शिवपुरी में अकेला रहता था और ऐसे ही मानसिक टॉर्चर और ये इन लोगों के जो भी फ़ोन कॉल, धमकियाँ, पैसा जो भी इन लोगों ने किया हो, इसके दबाव में ज़्यादा आकर उसने कल शाम को सुसाइड कर लिए। और सुसाइड करने पर एक सुसाइड नोटिस भी दिया है, जिसमें लड़की का और लड़के का नाम स्पष्ट दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि मैं अपनी जीवन की अंतिम इन्हीं दोनों के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। तो आपका भाई युवती से कब से प्रेम करता था तकरीबन? अब इसकी क्लासमेट भी रही है, साथ में स्कूल में भी पढ़ी है और एक पड़ोस में थी, तो इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं, पर कुछ टाइम तो होगा इनका ये। तो ये बताइए, आपका भाई यहाँ पर शिवपुरी में कब से रह रहा था? पहले इसका एक ऑफिस शिवपुरी में चलता है, करेरा में चलता था। तो ये पहले करेरा जॉब करता था, करेरा से जॉब करने के बाद इसका ट्रांसफर शिवपुरी हो गया था। शिवपुरी में अभी नए ठेके हुए थे तो राज रॉयल्टी डिप्लोमा। कितना समय हुआ उसको शिवपुरी आए हुए? शिवपुरी अभी 2.5 या 2 महीने के समथिंग हुए हैं। आपको जानकारी कैसे लगी इसने फांसी लगा ली? कल शाम को मैं अपनी शॉप पे था तो इनके ऑफिस से किसी का फोन आया। फोन आने के बाद तो सामने वाला मुझसे कहता है कि आप जल्दी से शिवपुरी आ जाए, और उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन नहीं उठाया उनने। मैंने बार बार फ़ोन लगाया, फिर उनने एक बार फ़ोन उठाया तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने फांसी लगा ली और तुम लोग जल्दी से आ जाओ। जो सुसाइड नोट मिला वो पुलिस को मिला था या आप लोगों को मिला है? हम लोग क्या थोड़ी दूर रहते तो हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया, पर पुलिस घटनास्थल पर पहले पहुँच चुकी थी और उन्हीं ने सुसाइड नोटिस निकाला है